ऐसा है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आज जो है दुखनाक दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ है, उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और घर वालों को सहने की शक्ति दे। ये हादसा जो है जिस खड्डे के कारण हुआ है, हमने पहले भी प्रशासन से कई बार जीएमसी डिपार्टमेंट से अपील किया है, क्योंकि ये मेन रोड का काम है और उन्होंने बार बार कभी पीडब्ल्यूडी के कहने पर करते हैं, कभी ये कहते हैं जेडीए के अंदर है, कभी कहते हैं जीएमसी के अंदर है। ये तीनों डिपार्टमेंट है, इधर उधर घुमाते रहते हैं, चारों की तरफ हमें घुमाते रहते हैं। और जब ब्लैक टॉपिंग का भी काम था तब भी ये कहते थे कि जेडीए के अंदर है, जीएमसी के अंदर है। लेकिन आज इस खड्डे के कारण उस बेचारे की मृत्यु लिखी हुई थी और बड़ा अफसोस है हमें कि अगर प्रशासन ने इसको टाइम मैनर पर काम किया होता तो आज उसका हादसा नहीं होता। फिर आपके माध्यम से हमारी प्रशासन से अपील है, फिलहाल इस खड्डे को भर दिया जाए ताकि अगला कोई ऐसा दर्दनाक हादसा ना हो। हुआ क्या है कि एक स्कूटर वाला आया, इतना बड़ा खड्डा है नाले के ऊपर, एक महीना हो गया यहाँ पर। मैं कहता हूँ कंसर्निंग ऑफिसर कोई नहीं है। यहाँ पर साबरमती प्रोजेक्ट बन रहा है, इसे बस से जैसे यहाँ से 100 मीटर के ऊपर होगा, वो बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, इसे इतने गेट लगा रहे हैं, अपने नाम लिख रहे हैं, लेकिन ये यात्रा का पॉइंट है, इसको किसने देखना था। मैं तो कह रहा हूँ जो भी कंसर्निंग ऑफिसर है यहाँ पर उनको सस्पेंड करना चाहिए। एक महीने पहले भी बंदा मरा, एक महीना हो गया ये खड्डा, आपने देखा ये क्या हाल है यहाँ पर। इनकी डेथ हुई है वो लोकल है, अभी पता तो नहीं है लेकिन लोकल है, अभी अभी हो गया आधा घंटा घंटा हुए डेथ हो गई है, ये नहीं पता ये लोकल है, ये नहीं पता लगा है बेचारे का, अकेला था बेचारा, वो हेलमेट पहनी हुई थी, हेलमेट के बिना यहाँ से लेके वहाँ तक वो रगड़ता गया, ये खड्डे में पड़ा उसका टायर। तो उसके बाथ वो टैंकर आया, टैंकर से भी ब्रेक नहीं बजी, साथ साथ चल रहे थे, टैंकर ऊपर चढ़ गया। मैं कह रहा हूँ ये अगर कल परसों तक ये नहीं होगा तो यहाँ पर मेरे ख्याल से 2-4 कैजुअल्टी और होगी, आप देखो तो सही ना।